प्रीता ने सुना निधि की बातें और प्रीता को आया निधि के ऊपर गुस्सा। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा कुंडली भाग्य का, और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा भी देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड। और वहीं एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के देखने को मिलेगा कि फाइनली प्रीता ने सुन लिया है निधि की बातें और प्रीता को आया है निधि के ऊपर गुस्सा। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ ये, यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को चाहिए मिलेगा कि फाइनली जो प्रीता होती है वो अपने बेटे यानी कि राजवीर को बचाने की कोशिश कर रही होती है। जी हाँ, वेल हर जगह से हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रही होती है प्रीता अपने बेटे राजवीर को। जी हाँ, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिला कि जब भी वो बाहर से आ रही होती है और वहाँ पर वो निधि को देख लेती है, निधि के साथ कोई और भी होती है, और फाइनली वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि प्रीता अपने बेटे को तो बचा भी नहीं पाएगी। चलो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि राजवीर अरेस्ट हो गया। जी हाँ, ये जो होती है निधि बात कर रही होती है अपने फ्रेंड या फिर कोई होता है उसके साथ, और फाइनली आपको देखने को मिला कि वो लोग कुछ खा रहे होते और वो लोग ये बात कर रहे होते कि फाइनली राजवीर अरेस्ट हो चुका है। जी हाँ, और किसी को ये तक नहीं पता चलेगा कि राजवीर को अरेस्ट किसी और ने नहीं बल्कि शौर्य ने कराया है। जी हाँ, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। जी हाँ, और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जब ये दोनों ये चीज़ बोल रहे होते हैं और ये दोनों ये जब बोले होते हैं तो फाइनली जो प्रीता होती है इन दोनों की बातें सुन लेती है। जी हाँ, सुनने के बाद फाइनली प्रीता जो होती है इन दोनों के ऊपर प्रीता को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वेल, वो जाती नहीं है, उनको कुछ भी नहीं बोलती है। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, प्रीता को तो पता चल चुका है राजवीर की सच्चाई, आई मीन शौर्य की सच्चाई। अब देखते हैं आगे क्या होता है और आखिर प्रीता क्या करने वाली है शौर्य के साथ। वेल, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर और भी, तो ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जुकना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।